गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हम सोशल में सिविक्स में हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर वन. और चैप्टर वन का नेम था इक्वलिटी. ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मिड डे मील के बारे में बताया था. मिड डे मील क्या होता है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, क्या होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पर जो बच्चों को कुक्ड लंच प्रोवाइड किया जाता था. क्या प्रोवाइड करवाया जाता था, कुक्ड लंच. ठीक है, क्या होता था, ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई गई, ये इस वजह से बनाई गई मिड डे मील, क्योंकि क्या होता था, कुछ बच्चे लंच के बहाने से अपने घर चले जाते थे और घर चले जाने के बाद वो वापस रिटर्न स्कूल नहीं आते थे. तो इससे क्या होता था, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बच्चे होते थे उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम होती थी. ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, और कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनके घर में, मतलब ये है कि वो पुअर होते थे, तो वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाते थे, उनको खाना नहीं मिल पाता था, तो उनके पेट खाली होते थे, उनको भूख लगती थी, और ऐसे खाली पेट के साथ वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, तो ऐसे खाली पेट के साथ वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे. इस वजह से सरकार ने ये किया. एक और इससे ये भी होता था कि इक्वलिटी आती थी बच्चों के बीच में, क्योंकि कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो थोड़ा रिच भी हो, चाहे वो पुअर हो, सब तरीके के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे, एक ही तरीके का खाना खाया करते थे, तो बच्चों के मन में जो भेदभाव की भावना होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि एक ही तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही फर्श पर बैठे हुए हैं और एक ही तरीके का खाना वो खा रहे हैं, तो इस वजह से उनके बीच में एकता की भावना आती थी. ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम. इसके बाद क्या है, व्हाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. तो सरकार के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जिससे लोगों के बीच में इक्वलिटी की भावना आई है, या इक्वलिटी की भावना को लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया था मिड डे मील भी क्यों चलाया गया, इस वजह से ताकि बच्चों के बीच में एकता की भावना, समानता की भावना आए. ठीक है, वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि मिड डे मील के बेनिफिट्स क्या हैं. इससे क्या होता था, बच्चों की अटेंडेंस बढ़ती थी, क्योंकि उन्हें लगता था, वो ये सोचते थे कि स्कूल में हमें लंच मिलेगा तो चलिए स्कूल पढ़ने चलते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे, बच्चों के बीच में इक्वलिटी की भावना और एकता की भावना, यूनिटी की भावना आती थी. ठीक है, उनके अंदर सेंस ऑफ शेयरिंग, उनके अंदर एक दूसरे के साथ शेयर करने की भावना आती थी. बहुत सारे इसके बेनिफिट्स थे. देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आर कंट्री बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड एंड द डोज दैट द पुअर अटेंड. इवन टूडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वल. तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए ताकि लोगों के बीच में इक्वलिटी की भावना आए, लेकिन फिर भी क्या है, अभी भी प्रॉपरली लोगों के दिमाग में ये नहीं है, अभी भी लोगों के अंदर इक्वलिटी की भावना नहीं है. वो अभी भी ये सोचते हैं कि हम रिच हैं तो हम बहुत बड़े हैं, वो पुअर हैं तो वो बहुत छोटे हैं, है ना. उनके अंदर भावना है, वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इक्वलिटी इनइक्वलिटी करते हैं,
भेदभाव की भावना उनके अंदर है कि तुम इस जाति से हो, तुम इस धर्म के हो, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तुम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकार ने बहुत कुछ किया, सरकार ने अनटचेबिलिटी बैन कर दी। मैंने आपको बताया था अनटचेबिलिटी, जो छोटे जात के लोग होते थे लोग उनसे छुआ छात की भावना रखते थे, उनसे दूर रहते थे, उनको छूने से भी एतराज़ मान, उनको छूते भी नहीं थे। अब ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था, जो कौन थे, एक दलित थे। उनके साथ भी स्कूल में बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया गया, उनको लास्ट बेंच पर बिठाया जाता था और उनको कभी कभी ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। साथ के साथ उनसे पूरे स्कूल की सफाई भी करवाई जाती थी, पूरा स्कूल की प्लेग्राउंड की सफाई करवाई जाती थी और सारे बच्चे उन्हें देख देख के हंसते थे। तो उनके साथ भी बहुत अनुकूली उनको ट्रीट किया गया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं अभी भी, इवन टुडे अभी भी ऐसे हैं स्कूल्स हैं जहाँ पर उनको बच्चों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों को क्या किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ठीक है, दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट तो रेस्पेक्टेड। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी स्कूल हैं जहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चों को, या हम कह सकते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके बच्चों को क्या किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके साथ उनको बहुत अनइक्वल उनके साथ व्यवहार किया जाता है, बिहेव किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन द लॉ रिक्वायर्स इट। ये इस वजह से है कि सरकार ने तो कह दिया कि सब इक्वल है, सरकार ने कह दिया, सरकार ने इसके लिए कानून भी बना दिया, सबको अधिकार भी दे दिए, लेकिन होते ना कुछ लोग मतलब कानून के अलावा भी उनकी अपनी सोच होती है, वो मानने को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं इन सब चीज़ों को मानने के लिए। उनकी सोच होती है कि हाँ ये दूसरी जाति के लोग हैं, हम दूसरी जाति के लोग हैं तो हम एक साथ नहीं बैठ सकते, या मैं इस जाति के बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके की इनइक्वलिटी भी अभी भी स्कूल्स में थोड़ी बाकी है। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। इसका मेन रीज़न ये है कि सरकार ने हमसे कहा हम सब बराबर हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे सोच को कौन बदलेगा, हमारी सोच को तो हम ही बदल सकते हैं ना, वो तो कानून नहीं बदल सकता। तो हम अपनी सोच को बदलने में बहुत टाइम लगा देते हैं, हम अपनी सोच को बहुत धीरे बदलते हैं, हम मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि दो जाति के लोग साथ बैठ जाए। अब तो बहुत तरीके से इनइक्वलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या होता है ना, जब थोड़ी सी इक्वलिटी मिल जाती है हमें तो हम और इक्वलिटी की डिमांड करते हैं। तो एक्सपेक्ट हमारे डेमोक्रेसी से बहुत सारे हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत हैं। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वूमेन। तो आज भी लोगों को पता है कि ये भेदभाव किसके अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर डिसेबिलिटी के आधार पर, जैसे कुछ लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं ना, तो हम उनके साथ भी गलत व्यवहार करते हैं कि वो देख नहीं सकता या उसका हाथ काम नहीं कर सकता, तो हम उनको उसके आधार पर उनको चिढ़ाते हैं, उनके साथ अनइक्वली ट्रीट करते हैं उनको कि वो हमारे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है वो। और किसके आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि वो रिच हैं या पुअर हैं, तो पुअर हैं, अगर वो गरीब हैं तो क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो रिच पुअर पीपल को क्या करते हैं, अनइक्वली ट्रीट करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली व्हेन
इट इज ओनली, आगे क्या लिखा है देखिए, क्या है, इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। तो ऐसा कब होगा, कब सारे लोग इक्वल कब होंगे, तभी होंगे जब हम अपनी सोच को बदलेंगे और हम ये सोचेंगे कि कोई भी छोटा नहीं है, नो वन इज इंफीरियर, कोई भी छोटा नहीं है, सब को इक्वली ट्रीट करना चाहिए हमें, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कैसा भी उनका इकोनॉमिक स्टेटस है, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और सबकी अपनी इज्जत होती है, तो हमें कभी भी उस इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो तभी क्या होगा, लोगों का जो प्रेजेंट एटीट्यूड है, उनकी जो समझ है, प्रेजेंट थिंकिंग है, वो चेंज हो पाएगी। Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to you and you will read more about this in this book. तो क्या एक democratic society में equality को लाना, समानता लाना इतना छोटा काम नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हमने अपने कानून तो बना दिए, जैसे सभी को राइट टू वोट तो मिल गया कि सब तरीके के लोग, उनका कैसा भी इकोनॉमिक स्टेटस है, चाहे वो फीमेल हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, सभी को अधिकार है क्या, इस बात का अधिकार है, सभी को इस बात का अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं, किसके में हमने पढ़ा था ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो क्या है ये कि जो 18 से अबव लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, चाहे उनका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो, वो रिच है या पुअर है, सभी को राइट होता है वोट देने का, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्ट्रगल चलता रहेगा, क्योंकि क्या होता है, हमने इक्वलिटी दे दी, किसके आधार पर, राइट टू वोट हमने दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। तो पूरी तरीके से इक्वलिटी ख़त्म, पूरी तरह से इनइक्वलिटी को ख़त्म करना बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे हमें इनइक्वलिटी को ख़त्म करना है, ठीक है। और हम इसके बारे में हम और पढ़ेंगे कि और कौन कौन से जो इंडिया ने ऐसे कंट्रीब्यूशन दिए हैं इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इश्यूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। देखिए जो इंडिया है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब मैंने आपको बताया था, डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हर एक पर्सन को राइट होता है किसको चूज़ करने का, सरकार को चूज़ करने का, और अगर सरकार सही काम नहीं करती है तो उनके पास ये राइट होता है कि वो सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, यू आर प्रॉबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वलिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मतलब हमने पढ़ा कि भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर इनइक्वलिटी को लेकर अभी भी इनइक्वलिटी है, असमानता है, अभी भी लोगों के बीच में समानता नहीं है, उनके बीच में असमानता है, अभी भी लोग एक दूसरे को छोटा, बड़े लोग दूसरे लोगों को, जो उनसे छोटे हैं उनको अभी भी छोटा समझते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान, तो क्या छोटा और क्या बड़ा।
और ये जो हम इक्वलिटी के लिए जो संघर्ष है, एक समानता का जो समानता के लिए जो संघर्ष है वो चलने ही वाला है. द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वलिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल. तो लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे बहुत सारे भी देश हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पर इक्वलिटी को लेकर अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, वहाँ पर भी इनइक्वलिटी है. ऐसी बहुत सारी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज है. जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्या है, यूएसए. क्या है बच्चों, यूएसए. वहाँ पर अभी भी इक्वलिटी को लेकर क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है. वहाँ पर भी क्या, इक्वलिटी को लेकर संघर्ष चला. जैसे देखिए द अफ्रीकन अमेरिकन्स, कौन थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज अ लार्जली अनइक्वल. तो क्या हुआ, हमें पता है कि पहले एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में क्या था कि लोगों को गुलाम बना लिया जाता था. ठीक है, हमारे भारत को भी अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, तो ऐसे देश को गुलाम बना लिया था. तो क्या हुआ था, कुछ अफ्रीकन्स को, जो अफ्रीकन्स थे जो अफ्रीका में रहते थे, तो कुछ अफ्रीकन्स को कहाँ ले आए गए थे, कहाँ ले गए थे, अमेरिका. कुछ अफ्रीकन्स को कहाँ ले गए, अमेरिका ले गए. और तो वहाँ पर उनसे गुलामी करवाई गई, उनसे फसलें उगवाई जाती थी, उनसे गुलामी करवाई जाती थी. तो अफ्रीका के जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, उनको कहाँ ले आया गया, अमेरिका ले आया गया, और उनसे गुलामी करवाई, उनसे काम करवाया. तो क्या हुआ, धीरे 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 वो वहीं बस गए. उनकी जो, अब जैसे कुछ तो अमेरिका वापस आ गए जब गुलामी ख़त्म हुई, तो उनसे गुलामी से उनको छोड़ दिया गया. तो कुछ तो अफ्रीका वापस आ गए, लेकिन कुछ अमेरिका में ही बस गए. उनको बहुत कम जगह दी, लेकिन फिर भी वो वहीं पर बस गए. अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पर बस गए, तो जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के जो लोग थे वो उन्हें बहुत अनइक्वली ट्रीट करते थे. क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे वो कैसे लोग थे, वाइट पीपल. वो कैसे थे, वाइट. और जो अफ्रीका के लोग थे वो कैसे थे, ब्लैक पीपल थे. तो उनको क्या किया गया, उनको उनके साथ बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, और उनको इक्वल राइट्स भी नहीं दिए गए थे. जो वाइट पीपल के पास राइट्स थे, वो पुअर पीपल के, ब्लैक पीपल के पास राइट्स नहीं थे. तो वाइट पीपल कौन थे, अमेरिकन्स, और वाइट ब्लैक पीपल कौन थे, अफ्रीकन्स. तो जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक पीपल को राइट्स नहीं दिए, इक्वल राइट्स उन्हें नहीं दिए. ठीक है, क्या लिखा है, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स. तो क्या हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए 1950 में उन्होंने क्या किया, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने, उनको जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता था तो वो बहुत अति हो गए, क्योंकि उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनके साथ बहुत ही बेकार व्यवहार किया जाता था, उनको हर एक चीज़ में लास्ट में रखा जाता था. तो इस बात से वो बहुत तंग आ गए, और तंग आकर उन्होंने अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या किया, अपने अधिकारों के लिए राइट्स, अपने अधिकारों के लिए क्या किया, आंदोलन चलाया कि हमें भी क्या चाहिए, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए. जो राइट्स आपने वाइट पीपल को दिए हैं वो राइट्स हमें भी आप दीजिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक
of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. जैसे हम कैसे उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, जैसे वो ट्रेन बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में जब ट्रैवल वो करते थे तो बस में जब वो ट्रैवल किया करते थे तो उनको लास्ट सीट पर बैठाया जाता था। किस पर बिठाया जाता था? लास्ट सीट पे, कि वाइट पीपल आगे बैठेंगे और जो ब्लैक पीपल हैं वो क्या करेंगे, पीछे बैठेंगे। मतलब उनको हमेशा लास्ट में रखा जाता था, वो कभी आगे ही नहीं आ सकते थे, उनको हमेशा लास्ट में, उनके साथ गंदा व्यवहार किया जाता था, उनको बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। ठीक है, उनसे कहा जाता था कि आप लास्ट सीट्स पर बैठिए। ओके, अब उनको लास्ट सीट पर बैठाया जाता था। और ये भी होता था कि जैसे अब लास्ट पूरी सीट फिल हो गई, सारी सीट्स फिल हो गई, और अगर आप कोई वाइट पीपल अंदर आया तो जो ब्लैक पीपल थे या जो लास्ट पर बैठते थे उनको अपनी सीट्स पर, अपनी सीट से क्या करते हैं, उठना पड़ता था और उनको वाइट पीपल को वो सीट देनी पड़ती थी। तो इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता था, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, और जो वाइट पीपल थे वो हमेशा उनको इन्फीरियर समझते थे, उनको अपने से छोटा समझते थे। तो इस तरीके की इनइक्वलिटी उनके साथ की जाती थी। ठीक है, अब बच्चों आज आपको मैं इतना ही पढ़ाती हूँ, आपको इतना चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन सा आंदोलन चलाया गया था, कौन सा मूवमेंट चला था जिसके थ्रू उनको राइट्स मिला, ये तो कौन सा ऐसा मूवमेंट चला। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। आई होप जितना मैंने आज पढ़ाया उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से उस चैप्टर को रीड करें और वीडियो को देख कर अच्छे से समझें। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Bye-bye. Take care.